एक विशंभर ने गांव वालों को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था और वो सब अपने अपने घर पहुंच रहे थे। शंकर के घर में शंकर के पिता राधेश्याम अपनी पत्नी के बाजू में आकर बैठ गया था। श्यामा एकदम से कबूतर को बाजू में आया बैठा देखकर घबरा गई थी और उन्होंने उसे एक तरफ से उड़ा दिया। ये कबूतर कहां से आ गया? ऐसे तो कभी कोई पक्षी आकर नहीं बैठता। लगता है किसी का पालतू है, तभी भटक कर मेरे पास आ गया है। राधेश्याम फिर से अपनी पत्नी की तरफ पड़ता है। उसकी आंखों में हल्के आंसू भी थे और अपनी पत्नी से कुछ दूरी पर आकर बैठ जाता है। श्यामा उसे बड़े प्यार से देखती है और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी दे देती है, फिर अनाज के कुछ दाने लाकर उसके सामने रखती है। कबूतर उसे बड़ा ही दुखी होकर देख रहा था और वो कुछ बोल रहा था मुंह से, पर कबूतर की ही भाषा में। अब उस भाषा को श्यामा क्या समझ पाती? उसे तो यही लग रहा था कि जैसे कबूतर उससे खुश है दाना पानी देने की वजह से। अच्छा, अब तू रोज आया कर, मैं रोज तुझे दाना पानी दूंगी। अभी श्यामा ने ये शब्द बोले ही थे कि वो कबूतर एकदम से इंसान में तब्दील हो जाता है। श्यामा एकदम से डर गई और पीछे की तरफ जा गिरी, क्योंकि अब उसके सामने उसका पति राधेश्याम बैठा हुआ था। अरे मैं ठीक हो गया, अरे मैं ठीक हो गया, श्यामा देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और अपनी गिरी हुई पत्नी को उठाता है। श्यामा अभी भी डर कर कांप रही थी और अब अपने पति को आश्चर्य से देख रही थी। अरे ऐसे क्या देख रही है? अरे मैं तेरा ही पति हूँ, हम उस तांत्रिक के पास गए थे, हम सब गांव वाले, उसने सब लोगों को कबूतर बनाकर उड़ा दिया। लगता है अब हम फिर से कबूतर से इंसान बन गए। चलो अच्छा हुआ तांत्रिक ने हमें बख्श दिया, वरना ऐसे कबूतर बने घूमते रहते और कोई हमें पहचान भी नहीं पाता। ये क्या ड्रामा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली है क्या? उसने तुम सबको कबूतर बना दिया था और उसको छूते हुए। तुम वाकई में मेरे पति हो ना? या अभी भी कोई छल तो नहीं है? अरे वो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है, समझी तुम? अब तो मैंने कान पकड़ लिया, उस तरफ घूम कर भी नहीं जाऊंगा। गांव वालों को जो करना है करे। ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल मत जाना, चलो अंदर। पूरे गांव में जो जो कबूतर बने घूम रहे थे वो सभी लोग ठीक हो चुके थे और उसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था। उस तांत्रिक को लेकर हर तरफ यही चर्चा हो रही थी। जिन जिन का आंखों देखा था वो तो विश्वास कर रहे थे और जिन्होंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा वो सब इसे मजाक में उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान जो मन में एक डर लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी गांव का एक आदमी जो उन्हें रास्ते में मिल जाता है, गांववासी। अरे शंकर, तेरे पिताजी को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, तुझे बताया नहीं? शंकर उसकी बात सुनकर, क्या कह रहे हो कबूतर बनाकर उड़ा दिया? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? गांववासी, अरे तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब पता लग जाएगा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कहां घूम रहे हो तुम दोनों जने, और तेरे तो पिताजी भी पंचायत घर में आए, कहां गए सूरजभान तुम्हारे पिता? जी वो तो कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, ग्रामवासी हंसते हुए। चलो अच्छा हुआ बच गए, वरना उन्हें भी कबूतर बनकर उड़ना पड़ता। जाओ घर जाओ और देखो तुम्हारे पिताजी वास्तविक रूप में आए या नहीं। शंकर सूरजभान की तरफ देखता है और अपने घर की तरफ भाग पड़ता है। उसके पीछे पीछे सूरजभान भी। शंकर के मन मस्तिष्क में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था, क्या वाकई में ऐसा ही हुआ है, और उसने उस गांव वाले की बात पर विश्वास कैसे कर लिया। सूरजभान, अरे रुक तो सही, अरे तू ऐसे क्यों भागा जा रहा है? तुझे उसकी बातों पर विश्वास कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास हो या नहीं, पर मुझे अब घर तक पहुंचना ही होगा। और वो बिना रुके ही भागता रहता है। सूरजभान थक चुका था और वो दौड़ना छोड़कर अब आराम से चलने लगा। कुछ ही समय में शंकर दौड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहा था और बरामदे में बैठे अपने पिताजी को देखकर अब कमर पर हाथ रखे लंबे लंबे सांसें ले रहा था।